हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है टेक बिलाम में। मैं हूं आपका दोस्त इन्होस टेक्निकल शशांक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। अगर आप हमारे नए यूजर हैं, नए विजिटर हैं, तो प्लीज इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी काम बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप लास्ट आवर में एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर 3 घंटे का पेपर है और लास्ट का 1 घंटा बचा हुआ है और 30 आपके पास क्वेश्चन है जिसमें से अभी 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब आपको समझने नहीं आ रहा है कि मैं लास्ट क्वेश्चन जो है कैसे लास्ट आवर में इसको सारा कुछ कंप्लीट करूं, और आपके क्वेश्चन अगर मिस हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं लेकिन आपके पास में समय बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम में, तो अब आप क्या करेंगे। दोस्तों, ये ऐसा टाइम होता है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें रीड करी हुई रखी रहती हैं जिनको हमें यूज करके लिखना है, एग्जाम में प्रिपेयर करके देना है। तो इस समय में आप डिसीजन ये नहीं ले पाते हैं कि मैं क्या करूं, तो आपको करना ये होता है दोस्तों, सबसे पहले तो जो है आप रिलैक्स हो जाइए, आपके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको एक स्टेज में साइड में रख दीजिए, और सबसे पहले आपको माइंड में ये सोचना है कि मैंने अभी तक के जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं वो मैंने अब तक के सबसे बेस्ट दिए हैं, और इसके बाद में जो मुझे लिखना है वो भी मैं अपने सबसे बेस्ट दूंगा। आप ये चीज दिमाग में मत रखिए। अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करना चाहते हैं तो आपको हर क्वेश्चन में से कुछ टाइम निकालना होगा जो आपके आने वाले क्वेश्चंस जो हैं जिनको आप देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके काम आएगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास में 15 क्वेश्चन बचे हुए 30 में से, तो आपको करना ये होगा कि अब जो क्वेश्चन आप आगे लिखना शुरू करेंगे या डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, उन सभी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मतलब आप अगर एक टॉपिक के अंदर में एक टॉपिक का आंसर दे रहे हैं और उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर में आपके जो है सब हेडिंग्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग सब हेडिंग्स होती हैं और डायग्राम होता है, तो अब आपको सब हेडिंग्स तो लिखनी है लेकिन कोशिश ये करना है उस सब हेडिंग के अंदर में जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं वो मेन मेन पॉइंट आप वहां पे लिख दीजिए। जो एग्जाम में चेक करने वाला बैठा हुआ है वो इस चीज का ध्यान देता है कि इन्होंने मेन हेडिंग के अंदर में जो डिस्क्रिप्शन में मेन चीजें हैं वो कवर की है या नहीं की है। सपोज आप उसका पैराग्राफ बड़ा बड़ा खींच खींच के भी लिख देते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद भी अगर एग्जामिनर्स जो चेक करता है, जो चेकिंग में बैठा हुआ है, वो इस चीज पे ही वो पॉइंट्स ढूंढता है, जो मुझे फिगर्स चाहिए, जो मुझे पॉइंट्स चाहिए हैं सब हेडिंग के अंदर में वो वही सर्च करता है, और अगर उसे वो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो बाकी का जो आपने लिखा हुआ है वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि शुरू के जो 10-15 क्वेश्चन आप जो है लिखते हैं उसको इतने कॉन्फिडेंटली और इतना बढ़िया तरीके से लिखिए, मतलब आपको जो बेस्ट आपके 10 होते हैं क्वेश्चंस उनको हमेशा सबसे पहले लिखिए, उनका आंसर सबसे पहले दीजिए, और इसमें आप मतलब ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो कि आपको मालूम है कि ये मुझे तो बिल्कुल 100% इसके मुझे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। मतलब आपने ऐसा प्रेजेंटेशन दे दिया है, आपने इतना अच्छा उसको लिख दिया है कि एग्जामिनर वहीं से इंप्रेस हो जाता है आपकी मार्क्सशीट से, आपके जो ये आपकी शीट है रिजल्ट उसको देख के वहीं से इंप्रेस हो जाता है, और उसके बाद में बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं, सीधी बात है अगर मैं किसी की शीट चेक कर रहा हूं और मुझे शुरू के 5-10 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से मुझे उसकी प्रिपरेशन दिख रही है, बहुत अच्छा उसने लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी हुई है, तो मैं उसको जज करने के बाद में आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें मेरा जजमेंट जो है इतना ज्यादा नहीं होगा, और मैं उसके क्वेश्चन के जो शुरू के आंसर दिए हुए हैं उनको देख के ही अंदाजा लगा लूंगा कि आगे इसने क्या किया होगा, मतलब ये इतने अच्छे दिए हैं मतलब आगे भी इसने इसी तरह से अच्छे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को गलत भी लिख रहे हैं, हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये मैं जो लिख रहा हूं बिल्कुल सही है या नहीं है, फिर भी आप उसको कॉन्फिडेंटली बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखिए, उसके नीचे लाइन खींचिए जो सजा सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लाइनिंग्स के लिए सबसे आखिरी का जो 5 मिनट है उसको छोड़ दीजिए, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें मेन मेन पॉइंट्स को उठा के लिखना शुरू कर दीजिए, तो आप 100% जो है आपके क्वेश्चन है पूरे पूरे अटेंड कर पाएंगे इस तरह से जो है। और आपको एक चीज ये करना होगा कि आपको बार बार घड़ी नहीं देखना है। क्या होता है, कोशिश लोग ये कर देते हैं घड़ी साइड में रख देते हैं, अब आप करते रहते हैं और आपके दिमाग जो है बोलता रहता है यार घड़ी देखो घड़ी देखो घड़ी देखो, इसीलिए आपको ये नहीं करना है। घड़ी को रखिए, रखना बुरा नहीं है, लेकिन आप उसको कम से कम 15-20 मिनट में एक बार देखें, या कम से कम आधा घंटे में मैं तो कहूंगा कि उसको देखिए। अगर आप 3 घंटे के में पेपर में बैठे हुए हैं तो मतलब आप आधा आधा घंटे में उसको 6 बार देखिए, इससे ज्यादा उसको देखने की जरूरत नहीं, नहीं तो आपका दिमाग यही बोलता रहेगा कि हमसे छूट रहा है, हम तो हड़बड़ा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों जो टिप्स दिए उसको आजमाइए, और अगर इससे रिजल्ट सही मिलता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके करिए, और इसमें से एक भी टिप्स अगर आपको पसंद आई हो टिप्स तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक बटन को दबा के। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए टेक विला में, स्टे रॉक।